मैं छुआछूत की बात कर रहा हूं, मैं जातिवाद की बात कर रहा हूं। सदियों से ये जातिवाद का दंश जो है, सदियों से छुआछूत का दंश जो है, वो इस देश का एक बहुत बड़ा तबका है ना, वो झेल रहा है। बहुत बड़ा तबका है इस देश का जो ये जातिवाद का दंश झेल रहा है। और ये आज कोरोना नामक महामारी जो है, इस प्रकृति ने दिखा दिया है कि इंसान को पहचाने, इंसान से प्रेम करें, आपस में एक दूसरे से नफरत ना करें, ना जाति को लेकर और ना धर्म को लेकर। यह बहुत बड़ी समस्या भारत देश की है। लॉकडाउन है और लॉकडाउन के दौरान आज जैसी घटनाएं सामने आ रही हैं, वास्तव में चिंता का विषय है। देश की सरकार, देश के प्रधानमंत्री को खुद ट्वीट करके ये कहना पड़ रहा है कि कास्ट को लेकर, धर्म को लेकर आप कोई भी नफरत ना फैलाएं, आप धर्म और जाति को लेकर आप कोई नफरत ना फैलाएं। जो ये महामारी है, कोरोना नामक महामारी है, ये जाति या धर्म नहीं देखती, बल्कि ये लोग इंसान, ये नहीं है कि किसी के आप आपकी जाति देखेगी, आपका धर्म देखेगी, आपका रंग देखेगी तब आपके चिपट जाएगी या नहीं चिपटेगी, ऐसा नहीं है। बल्कि ऐसा है कि ये कुछ नहीं देखने वाली, ये बीमारी किसी की सगी नहीं है, ये बीमारी किसी की सगी नहीं है, ये बीमारी जो है वो जाति धर्म देखकर नहीं आएगी, ये बीमारी किसको लग जाएगी इसका पता नहीं चलेगा। और खुद ऐसी कंडीशन में जब देश में धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर नफरतें फैलाई जा रही हो, तब ये देश का रिजल्ट, तब इन नफरतों का रिजल्ट, जो फसल बोई जाती है वो निकल करके सामने आता है, जैसे महाराष्ट्र के पालघर में निकल करके सामने आया। महाराष्ट्र के पालघर में दो साधुओं की और एक ड्राइवर की निर्मम हत्या कर दी गई। महाराष्ट्र के पालघर में ये रिजल्ट निकल करके सामने आया है, देखा आपने। ऐसी ही घटना जो हुई है महाराष्ट्र के पालघर में, बहुत दर्दनाक है, बहुत भयावह है, अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। इंसानियत की रूह कांप चुकी है पूरी। इंसान को कैसे काटा जा रहा है, मारा जा रहा है, धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर नफरतें जो ये बीज बोए जा रहे हैं, ये इसका रिजल्ट है। अब आप कहेंगे कि जाति और धर्म को जोड़ करके इसको ना देखें, बिल्कुल भी ना देखें, क्योंकि ये जो घटना हुई है ये पूरे अफवाह तंत्र का नतीजा है। लेकिन ये जो घटना हुई है ये नतीजा उसका भी है जो ये मीडिया चैनल कई दिनों से लगातार नफरतों के बीज बो रहे हैं आपस में, ये उसका भी नतीजा है। ये वो मीडिया जो नफरतों के बीज बो रही है, जो दिल्ली में दंगा देखने को मिला, लगातार जो फसल बोई गई, ये समाज, ये भोला भाला समाज, भोले भाले भारतीय इस फसल की भेंट चढ़ जाते हैं, इन नफरतों की भेंट चढ़ जाते हैं। ऐसे ही दो साधु और एक ड्राइवर नफरतों की भेंट चढ़ गए। अगर आपको ये खबर अच्छी लगी तो लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।